हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। सो गाइस, तुम्हारा जो न्यू एकेडमिक ईयर है वो तो स्टार्ट हो गया है और यार तुम में से काफ़ी लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और यार ज़्यादातर बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन अपने एकेडमिक ईयर 2023-2024 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दिया होगा और काफ़ी बच्चों ने टारगेट बना लिया होगा कि भाई उसको ICSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 98% लेके आना है। काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ सोच ली हुई, लेकिन यार काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने टारगेट को अभी नहीं बनाया होगा, वो सिर्फ क्वेश्चन मार्क पर ही अटके होंगे। तो यार अगर किसी ने अभी तक टारगेट नहीं बनाया तो यार मैं एक चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर यार तुम 21 डेज का चैलेंज लेते हो तो यार 21 डेज का जो चैलेंज है वो तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता है और यार जो तुम अचीव करना चाहते हो वो डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। देखो यार, कहा जाता है कि अगर 21 डेज है, अगर तुम 21 डेज तक कोई एक काम करते हो, अगर तुम 21 डेज तक कोई भी एक काम करते हो तो वो काम करने में तुमको शुरुआत में तो प्रॉब्लम होगी, बट आफ्टर 21 डेज वो चीज़ तुम्हारी हैबिट में आ जाएगी और उस काम को तुम क्या है धीरे धीरे करते जाओगे और उसमें क्या है परफेक्शन की तरफ पहुँचोगे। देखो कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, मैं सुबह जल्दी कैसे उठूँ। कई बच्चे हैं जो सुबह 10-10 बजे तक सो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार उठें कैसे, उठ ही नहीं पा रहे हैं। काफ़ी बच्चे वो कहते हैं कि सर हमको तो रात में पढ़ने का है अच्छा लगता है, दिन में हमको पढ़ने में अच्छा ही लगता है। तो यार अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध बन रही है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध का काम कर रही है, वो तुमको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो यार वो सारी चीज़ें अगर तुम 21 डेज के लिए थोड़ा स्ट्रगल करते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें चेंज होके तुम अपने एक बेटर परसेंटेज के लिए जो तुम सोचते हो फॉर योर 98% फॉर योर 95% वो तुम अचीव कर सकते हो फॉर योर ICSE क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यार ये बिल्कुल पॉसिबल है और यार सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस से होती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज़ें हमारे साथ क्या होना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो एक मैं तुमको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने आज प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तुमने सोचा कि चलो यार आज मंडे है तो मंडे को हम क्या करेंगे, तैयारी आज से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। फिर हमने मंडे को कुछ देर पढ़ा, अब देखो कुछ देर पढ़ोगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और यार ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको 100% समझ में आ रहा हो। देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर तुमको डाउट आ रहा है, अगर तुमको पढ़ते समय डाउट आ रहा है तो इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम सही तरीके से पढ़ रहे हो। और अगर तुमको कोई भी डाउट नहीं आ रहा, तुम्हारा अगर नो डाउट है, तो इसका मतलब यार तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं है। क्योंकि देखो जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमको हो सकता है थ्योरेटिकल में डाउट आ रहा हो सकता है हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डाउट आ रहा हो, और अगर डाउट ही नहीं आ रहा तो डेट मीन्स यार हमारी प्रिपरेशन क्या है कहीं ना कहीं अच्छी नहीं चल रही है। और उस प्रिपरेशन की वजह से जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को हम नहीं कर पाएंगे, और अगर वो क्वेश्चंस हमारे नहीं हुए तो डेट मीन्स हमारे जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हों? तो यार ये ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं चाहता कि उसके मार्क्स डिडक्ट हों। तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, उसके लिए तुमको स्पेसिफिक एक टाइम टेबल बनाना होगा, तुमको एक टाइम टेबल सेट करना होगा कि मैं एक टाइम टेबल बना लूँ, उस टाइम टेबल को फॉलो करने का पूरा कोशिश करूँ। अब देखो टाइम टेबल जब तुम फॉलो करने का कोशिश करोगे तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसको फॉलो करेंगे और कई बच्चे होंगे जो फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब देखो मैं तुमको सिंपल सी बात ये कहूँगा कि देखो हर बच्चे की जो सिचुएशंस हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कोई बच्चा है जो सिर्फ स्कूल जा रहा है, दूसरा बच्चा है जो स्कूल प्लस होम ट्यूशन पढ़ रहा है, तीसरा बच्चा है जो स्कूल जा रहा है कोचिंग भी जा रहा है, चौथा बच्चा है जो स्कूल कोचिंग होम ट्यूशन तीन काम कर रहा है, पांचवा बच्चा है जो स्कूल जा रहा है कोचिंग भी पढ़ रहा है होम ट्यूशन पढ़ रहा है,
प्लस ऑनलाइन यूट्यूब पे भी पढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो अलग अलग टाइप के बच्चे, तो हर बच्चे की जो कंडीशन है, सोचने की थिंकिंग है, वो अलग अलग है। मैं तुमसे बस एक ही बात ये कहूँगा कि तुम जो कर रहे हो, जैसे करो, जैसे तुमको अच्छा लगता है तुम वैसे करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम जैसे कर रहे हो, वैसे जो कर रहे थे वो करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस एक काम करना जो मैं तुमको बता रहा हूँ, बस सिर्फ तुमको एक काम ये करना है, थोड़ा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, तुमको फिर समझाता हूँ। एक काम तुमको क्या करना है, तुमको बेटा एक काम, सिर्फ एक ही काम करना है मेरे कहने पे, कैसे भी करके करना है, मतलब करना है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज होगा तो फिर नहीं चलेगा तुम्हारा, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तुमको सिर्फ एक काम ये करना है मेरे कहने पे, सिर्फ एक काम, कि तुमको पर डे ज़्यादा नहीं, तुमसे मैं बोल रहा हूँ पर डे, तुम क्या है 3 घंटे का समय निकालोगे, तुम पर डे 3 घंटे का समय निकालोगे और उसमें क्या करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे नहीं, क्या बोल रहा हूँ, पढ़ोगे। इसमें सिर्फ एक काम ये करना है, पढ़ना है और तुमको इसमें याद करना है, और ये काम तुमको रेगुलर बेसिस पे करते जाना है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, डेली करना है। ये 3 घंटे तुम ये निकाल लो जिसमें तुमको सिर्फ एक काम ये करना, पर डे 3 घंटे या तो पढ़ना है या तो याद करना है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। और जब तुम ये पढ़ने के लिए 3 घंटे बैठ रहे हो, ये सब 3 घंटे जब तुम पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, मोबाइल को साइड से हटा दो, जो घरेलू काम होते हैं उनको साइड से हटा दो, और ऐसे टाइम पे पढ़ने के लिए बैठो, अपने घर पे बता दो भाई, जो भी तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं, मम्मी होंगी या मान लो तुम्हारी सिस्टर वगैरह हो या तुम्हारा भाई वगैरह हो, उसको बता दो कि भाई मैं सिर्फ जो है 3 घंटे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ता हूँ, तो भाई इन 3 घंटे में मुझको डिस्टर्ब ना करो, और तुम इन 3 घंटे में पढ़ने का और याद करने का काम स्टार्ट करो। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम सिर्फ ये काम, ज़्यादा दिन नहीं, तुमको मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि तुम ये काम सिर्फ और सिर्फ 15 दिन करना। 15 दिन के बाद तुमको थोड़े रिजल्ट दिखाई देंगे। जब तुम्हारे 21 दिन हो जाएंगे तो तुम देखोगे कि तुमको क्या है, उसको पढ़ने में वो अजीब नहीं लग रहा है। लेकिन जब तुम फर्स्ट वीक में होगे, तुम पहले वीक में होगे, पहले 7 दिनों के अंदर होगे, तो तुमको पढ़ने में क्या थोड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन जैसे तुम्हारा 1 वीक हो जाएगा, तुम्हारी थोड़ा जो कहते ना कि अजीब लगता है पढ़ते समय कि मतलब जो है यार इतना ज़्यादा सब कुछ हो गया, तो वो चीज़ें नहीं लगेंगी। 15 दिन का बाद तुम जब 21 दिन पे आओ, तो 21 दिन में तुम खुद रियलाइज़ करोगे कि कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। और जब तुमको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, तो तुमको लगे कि भाई अच्छा तुम कर रहे हो, तो यार मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम 3 घंटों को 8 घंटे कर दे रहे, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन तुमसे ये जरूर कहूँगा, जब ये तुम काम करना शुरू कर दो, जब तुमको 3 मंथ हो जाएं, जैसे तुमको थ्री मंथ्स हो जाएं, इस थ्री आवर को तुम क्या कर देना, इस 3 आवर को आफ्टर 3 मंथ 5 आवर में कन्वर्ट कर देना। बस तुम शुरुआत के 3 मंथ ये करना, और जब ये तुमको लगे रिजल्ट आ रहा है तो तुम 5 आवर में कन्वर्ट कर देना, और अगर लगे तुमको रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो तुम्हारा मन हो वो करना। लेकिन मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूँ, लगभग 9 सालों का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस तुमको कह सकता हूँ कि यार ये डेफिनेटली चीज़ तुम्हारे साथ वर्क करेगी, और जो तुम्हारा टारगेट है फॉर योर 98% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, तो ये 98% का टारगेट फॉर योर ICSE क्लास 10th डेफिनेटली तुम देखोगे तुमको अचीव होता हुआ दिखेगा। बस मेन चीज़ यही है, करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देख के और सोच देखने के बाद चले जाना, इससे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुमको एक बात ये भी और कहूँगा कि अगर किसी भी एजुकेटर का, चाहे मेरा हो, चाहे किसी दूसरे यूट्यूब चैनल किसी दूसरे एजुकेटर का हो, तीसरे किसी दूसरे एजुकेटर का हो, किसी का भी हो, तुम अगर देख रहे हो वीडियो, तो एटलीस्ट यार पेन लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, जो बेटर चीज़ें मिले उसको नोट करो, और नोट करने के बाद जो चीज़ें तुम लाइफ में तुमको लगता है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए उसको यार इम्प्लीमेंट करो। अगर सिर्फ देखते जाओगे वीडियो और देखने के बाद सिर्फ ऐसे ही चले जाओगे, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा।
तो इसलिए मैं तुमसे बस एक बात यही कहूँगा कि ये जो 21 डेज का चैलेंज है इसको लो और 3 आवर की स्टडी 3 मंथ तक रखो, और चाहे संडे हो चाहे मंडे हो तुमको ये ब्रेक नहीं करना है। तुमको कहीं भी जाना हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, कहीं भी जाना हो, लेकिन तुम्हारा 3 घंटे का समय तुमको अपने याद करने पे, अपने पढ़ने पर निकालना है। इसमें तुमको लिखना कुछ भी नहीं है। और अगर तुम में से कोई बच्चा ये कह रहा हो कि सर अगर मुझको फिजिक्स का न्यूमेरिकल करना है या मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं तो लिखना पड़ेगा, तो मैं तुमसे एक बात ये कहूँगा कि वो काम के लिए तुम अलग से टाइम निकालना। तो अभी जो मैं तुमको बता रहा हूँ तुमको ये जरूर ध्यान रखना है, तुमको अभी पढ़ना और याद करने पर सिर्फ इन्हीं 3 घंटों फोकस करना है, बाकी चीज़ों के लिए तुमको अलग से टाइम निकालना है। और अगर तुम इन चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में करते जाओगे डेफिनेटली तुम खुद पाओगे तुम्हारे यूनिट टेस्ट में, तुम्हारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा, तुम्हारा सेकंड यूनिट टेस्ट होगा, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, तुम्हारे थर्ड यूनिट टेस्ट होगा, फर्स्ट प्री बोर्ड होगा, सेकंड प्री बोर्ड होगा, उसके बाद तुम्हारा फाइनल बोर्ड होगा। तो तुम्हारे पास इतनी स्टेजेस होंगी जहां पर तुम अपने आप को चेक कर पाओगे कि तुम्हारा परसेंटेज क्या आ रहा है, तुम्हारे किस टाइप के मार्क्स आ रहे हैं। और हर एग्जाम को जरूर देना। कई बच्चे क्या करते हैं, अरे फर्स्ट यूनिट टेस्ट क्या करना है, अरे फाइनल एग्जाम देंगे ना, अरे फर्स्ट यूनिट टेस्ट दो ना, चेक तो करो कि तुमने जो भी तुम्हारे पास 1-2 महीने का समय था उसमें तुमने कितना पढ़ा, कितना तुमने रिस्पॉन्स लेके आए हो। फिर तुम सेकेंड यूनिट टेस्ट दो ना, उसमें चेक करो कि भाई जितना तुमको पढ़ा जा रहा है उसमें तुम कितना आउटपुट निकाल पा रहे हो। अगर आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमको अपने प्रेपरेशन के स्ट्रेटजी को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर चेंज नहीं किया तो रिजल्ट आखिर में वही होगा 60% के आसपास, 70% के आसपास, या फिर तुम जो है फेल के करीब पहुंच रहे होगे। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस तुम्हारे साथ ना आए, ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसलिए तुमको ये सब चीज़ों को फॉलो 100% वे में करना होगा। और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कोई भी तुम्हारा डाउट है जो तुम पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट हो उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यार तुमको अगर फ्री PDF चाहिए, जैसे फॉर योर सिलेबस चाहिए, फॉर सैम्पल पेपर चाहिए, तो तुम क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, तुमको क्या है ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप को अगर तुम डाउनलोड कर लेते हो तो तुमको क्या है सिलेबस हो गया, तुमको सैम्पल पेपर हो गए, सारा स्टडी मटेरियल जो भी क्लास 10 से रिलेटेड है PDF फॉर्मेट में वो तुमको मिल जाएगा ऐप पर। और कोई भी तुम्हारा डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।